stunning state of Rajasthan in a state of suspended political animation, which we'd know better come the 3rd of December. 200 seats spread across 53 districts across six very distinct regions of the state, but with a wicked political history. Rajasthan has never voted the same political party or government to power back to back since 30 years, since 1993. So will history repeat itself, or will Rajasthan script a new chapter? Our first dispatch from Alwar district with its 11 poll constituencies. In 2018, in a total of 11, BSP won 2, the Congress 5, BJP 2, Independence 2. Since 2017, the lynching of Pehlu Khan, Alwar, has been the ground zero of cow vigilantism. And today, he's in the grips of a strong communal rhetoric, with an election booming with polarization. A clear divide, Hindu and Muslim. Enter Baba Balaknath. BJP leader and Alwar MP Baba Balaknath is testing his electoral fortunes from Tijara, where the BJP has won only once in the past 5 decades. And Balaknath, self-styled as the yogi of Rajasthan, is holding back no communal punches. जो एमपी का चुनाव था और अब एमएलए का चुनाव, ये ज्यादा भारी पड़ रहा है? नहीं, भारी का कोई मतलब नहीं है कहीं दूर दूर तक भी जी। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात है कि लोगों से संपर्क, लोगों से मिलना, और धरातल पे लोगों की क्या समस्याएं हैं, धरातल पे लोगों से जुड़ाव, ये दोनों ही बातों का बहुत बड़ा अनुभव मिलता है, और लोगों को जानने का, पहचानने का, और जीवन में हमें भी किस प्रकार से इस समाज सेवा के जीवन में कैसे हम बेहतर काम कर सकते हैं, उसके लिए बड़ी एक तरह से प्रेरणा और एक तरह से शिक्षा मिलती है। राजस्थान में इस बार महाराज जी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, इस चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा आपको क्या लगता है? देखिए, एक सरकार के दायित्व होते हैं विकास, प्रशासनिक व्यवस्था और कानून व्यवस्था। इन तीनों ही क्षेत्रों में रिकॉर्डतम फेल हुई है ये सरकार। आपने जैसे अभी बताया, एक लॉ एंड ऑर्डर, एक धर्म ही मान लीजिए, जो तुष्टिकरण की, अपीजमेंट की राजनीति आप कह रहे हैं, तो यही वो अगर हम कॉन्टूवर्स देख लें योगी जी के भी हैं, इसीलिए जो आपकी छवि है राजस्थान के योगी आदित्यनाथ पे है, आपको लगता नहीं है? ऐसा नहीं है, आपको नहीं लगता है? ऐसा है कि मैंने गेरुआ वस्त्र पहना है जी, योगी जी और हमारा संप्रदाय एक है। योगी जी ने काम किया है, न केवल भारत और पूरा दुनिया आज उनके काम की प्रशंसा करती है, लेकिन योगी जी भी कैसे कर पाए? योगी जी को अवसर किसने दिया? पार्टी ने, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अवसर दिया, और माननीय प्रधानमंत्री जी के दिशा निर्देश में ही सब काम हो रहा है। हमारा एक एक कार्यकर्ता, हमारा बूथ का अध्यक्ष भी उसी भावना से काम करता जिस भावना से हम करते हैं, लेकिन वो बस हमारा एक संप्रदाय, हमारा एक 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 तरह से भाई होने के नाते उस बात को उस तरह से देखा जाता है, क्योंकि योगी जी ने जो रोल किया है यूपी के अंदर, जिस प्रकार से विकास, गुंडागर्दी, इन प्रशासनिक व्यवस्था, इन सब पर कंट्रोल कर जनता तक काम पहुंचाने का जो कार्य हुआ है, तो हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सब बीजेपी के जो 20 है, तो योगी जी उनमें 21 है, बस इतनी ही बात है, इसके अलावा कोई खास बात नहीं है। लोग चाहते हैं कि लोगों की समस्याओं का समाधान हो, लोगों की सुनवाई हो, और जो लोगों का पैसा जो एक लगता है विकास का, वो पूरी पारदर्शिता के साथ में जमीन पे लगे हैं, वहीं तक आप अपने आप को योगी जी के देखिए हम मानते हैं, पर वैसे अलग नहीं, अलग तो हम किसी भी प्रकार से नहीं है, क्योंकि हमने बताया ना, एक पंथ एक संप्रदाय हमारा है जी। अलग हम विचार से अलग नहीं है, भाव से अलग नहीं है, लेकिन ये सब कुछ जो कुछ है, ये हमारी पार्टी, हमारे नरेंद्र मोदी जी, उनके दिशा निर्देश के कारण ही हमें ताकत आती है। योगी जी के जैसे आप अपने आप को, अगर आप ये चुनाव जीतते हैं, जो 50 साल में भाजपा ने एक ही बार जीता है 2013 में, तिजारा जो सीट है, अगर आप ये चुनाव जीतते हैं, अपने आप को
मानते हैं दायित्व के आप चीफ मिनिस्टर? देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं मानता, मैं क्षमा चाहता हूँ। हम एक छोटे से कार्यकर्ता है, एक संत जीवन का भी समाज सेवा करने का धर्म रहता है, यही हमारा मूल धर्म है, पूजा पाठ विधि, ये तो हमारा निजी स्वार्थ है। और एक राजनीतिक जीवन जिसको आप कहते हैं, मैं उसको सेवा नीति कहता हूँ, सेवा नीति में भी हमारा यही धर्म है। मैं ऐसा कुछ नहीं मानता हूँ, हमारा संत का, हमारे गुरुजनों का यही हमको गुरु मंत्र होता है कि जहाँ स्थान मिले वहाँ सेवा करो, यहाँ स्थान मिला है यहाँ सेवा करेंगे। जो आपने कही अगर जीतेंगे, ये अगर वगर का शब्द नहीं है, यहाँ तो जीतेंगे ही, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लहराएगा ही, इसमें कोई संदेह किसी को नहीं है। होंगे वो, ये तो पार्टी तय करेगी, मोदी जी ही हमारे CM, मोदी जी ही हमारे प्रधानमंत्री, मोदी जी ही हमारे कार्यकर्ता, मोदी जी हमारे रोल मॉडल हैं। और मोदी जी के, क्योंकि उनका विचार इतना स्वच्छ और सुंदर और इतना दूरगामी है कि उनका आज पूरा दुनिया उनके पीछे चलने को तैयार है, तो भारतवर्ष के लोग तो उनको कंधे पे उठाकर, आंखों पे, पलकों पे बिठाकर उनके साथ चलने को तैयार है। तीन सवाल करूंगी महाराज जी, क्योंकि आपने तुष्टीकरण की राजनीति की, बहुत ये भी कह रहे हैं कि आप भी वही कर रहे हैं, अपीजमेंट पॉलिटिक्स, एक धर्म को ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। एक लीडर आप ही के स्टेज पर बोला है कि मस्जिदों को, गुरुद्वारों को तबाह कर दिया जाए, वो सही है? देखिए, बिल्कुल सही नहीं है, उसके लिए हमने माफी भी मांगी, हमारे उस व्यक्ति ने भी, कार्यकर्ता ने भी माफी मांगी, हम भी, व्यक्तिगत खेद है हमको भी, हम भी माफी मांगते क्योंकि उस मंच पर हम भी बैठे थे जी। लेकिन हमने उस समय पर वो बात सुनी नहीं क्योंकि शोर शराबा इतना था, लेकिन वो भूलवंश जो है कि गलती हुई है, भूलवंश गलती हमारे देवी देवताओं से, ऋषि मुनियों से भी हुई है, प्रायश्चित होता है उसका, प्रायश्चित होगा निश्चित रूप से। और गुरु गोविंद सिंह जी से, गुरु नानक देव जी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उस बालक को क्षमा करें, उससे जो गलती हुई उसका प्रायश्चित देकर उसको इस दोष से मुक्ति प्रदान करें। लेकिन जो तुष्टिकरण की राजनीति का आपने जो बात की है, हमारा बिल्कुल ऐसा भावना नहीं है, सब धर्मों का सम्मान है, हमारा केवल विरोध है तो ऐसे व्यक्तियों से, ऐसे संगठनों से जो देश के अंदर ऐसी स्थिरता का माहौल खड़ा करते हैं, गुंडागर्दी करते हैं और देश की शांति को भंग करने का काम करते हैं, देश के लोगों को लूटने का काम करते हैं, देश के लोगों को पिछड़ा करने का काम, क्योंकि पिछड़ा भी बनाते हैं वो लोग, वो नहीं चाहते कि विकास में लोग आगे बढ़े क्योंकि उनका उपयोग वो अपने ढाल के रूप में करते हैं और उनको मोटिवेशन करके ऐसी गतिविधियों में लगाते हैं। हमारा विरोध केवल उनसे है, कोई भी एक उदाहरण दिखा दो जहां हमने धर्म का अपमान किया हो, जहां हमने समाज का अपमान किया हो, हमने व्यक्ति का अपमान किया, चाहे वो किसी भी धर्म को मानने वाला हो, जो समाज विरोधी है, जो देश विरोधी है, जो असाम्प्रदायिक तत्व हैं, उनको हम निश्चित रूप से उनको चिन्हित करेंगे और उनको समाज में, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों को समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं, कानून के मुताबिक उनकी सजा होनी चाहिए। महाराज जी, पर आपकी जो पिछली सभा थी, हम सुन रहे थे अभी YouTube पे, आपने बोला था कि एक कम्युनिटी है जो जम के वोट करती है 90%, वो कौन सी कम्युनिटी है? देखिए, वो जो लोग, उनके जो कट्टरपंथी सोच के लोग है, तालिबानी लोग है, वही लोग उनको इस प्रकार से मोटिवेट करते हैं, क्योंकि मतदान तो करना चाहिए महाराज जी। मतदान, हम भी तो यही प्रेरित करें कि भाई उनकी प्रेरणा लो, उनसे सीखो कि हम भी मतदान करें, वो 90 करते हैं तो हम 92 करें। पर वो कट्टरपंथी कैसे हो गए अगर मतदान जाओ? मतदान की बात नहीं कर रहा, मतदान करना बहुत अच्छी बात है, मतदान करने से व्यक्ति में देश के प्रति जुड़ने का भाव आता है, अपने कर्तव्यों का भाव आता है। हम बात कर रहे हैं ऐसे तुष्टिकरण की राजनीति को बढ़ावा देने वाले लोगों की जो राजनीति में है, और ऐसे कट्टरपंथी सोच के लोग जो ऐसे संप्रदायों को अपना ढाल बनाकर अपना व्यक्तिगत स्वार्थ को सिद्ध करते हैं और लोगों की संपत्ति लूटना हो या देश की शांति को भंग करने का काम हो, उन व्यक्तियों का हम विरोध करते हैं। तो फिर जब आप कहते हैं कि आप लोगों को जमकर आकर मतदान करना चाहिए, ये सभी के लिए? अच्छा। कोई समाज अच्छा काम करता है तो समाज से प्रेरणा तो लेनी चाहिए ना, यही बात है, तो हमारा समाज भी प्रेरणा ले ताकि हमारे अंदर वो भाव, केवल जीत ही एक लक्ष्य नहीं, मतदान करने से व्यक्ति का जुड़ाव होता है। महाराज जी, वो समाज आपका समाज नहीं है क्या? वो तो आप ही कॉन्स्टिट्यूएंसी है। मैंने हमारा समाज का कि हमारा समाज भी, वो भी हमारा समाज है, हमारा समाज उस समाज से, दूसरे समाज से एक तरह से प्रेरणा लेकर सीखे कि हम भी मतदान की तरफ आगे बढ़े। 100% मतदान हो, इसकी समीक्षा आप सबको जिम्मेदारी संभालनी है, ये मेरा निवेदन है आपसे। बाबा अपने बाबा है, जय श्री राम। भगवा भगवा जीतेगा बिल्कुल। राजस्थान में? राजस्थान में BJP की सरकार आएगी अब की बार। क्यों? क्योंकि जो कांग्रेस के शासनकाल में जो अत्याचार, जो सभी लोग अत्याचार, एग्जाम से देख लो, कोई भी पेपर लीक की समस्या देख लो, उसके अलावा कांग्रेस तो सिर्फ वोटर को खरीदती है और कुछ नहीं है, कोई वोटर नहीं है। सुरक्षा हो गई है, महिलाओं की असुरक्षा है, रेप के केस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, वैसे प्रताड़ित है। बाबा जी, भगवा जी, भगवा में बिल्कुल मुख्यमंत्री बनेगा बाबा बालकनाथ, मुख्यमंत्री बनेगा। जय श्री राम, जय श्री राम।
बाबा बालकनाथ महाराज की जय। Forming a part of the Mewat region, Alwar has a sizable electorally influential population of the Meo Muslim community. Yadavs, Muslims and Dalits decide the vote here. Baba Balak Nath is a Yadav himself. The Dalit vote will be crucial this time. Ab Jai Bhim hai. Hum to Jai Bhim hai. Udmi ko sawal. Ha? Udmi ko sawal. Naam bataiye. नाम नहीं बताएंगे पर जय भीम है। जय भीम है भाजपा नहीं पसंद? नहीं। क्यों नहीं पसंद यही बता दीजिए। नहीं पसंद हमारा खड़ा है तो हमें उससे क्या लेना है। नॉट फार फ्रॉम बाबा बालक नाथ सभा दिस हाई डेसिबल रोड शो ऑफ कांग्रेस कैंडिडेट अगेंस्ट बालक नाथ स्नेक्स थ्रू द अबाउट 1 lakh वोट कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ मेयो मुस्लिम्स। सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है ना यहाँ बोली भाषा की बताएं। जातिवाद पे सबसे बड़ा मुद्दा जातिवाद बना रखा है आजकल। इधर बाबा आ जाता है उधर इमरान खान आ जाता है। कभी कोई कुछ बोलता है बाबा बोल रहा है हम झुके झोंपड़े उखाड़ के फेंक देंगे बुलडोजर लेके आते हैं स्वागत में भी बुलडोजर आता है और क्या। नामांकन भरने आए योगी जी आए संदीप दाई में बोल गए मंदिर मस्जिद को उसको मंदिर मस्जिद को और गुरुद्वारे को उखाड़ के फेंक देंगे तो ऐसों को कौन वोट देगा ये बताओ मुझे। कोई नहीं देगा। यहाँ सिर्फ कांग्रेस है सबका साथ है सबका हाथ है एक साथ चलेगा। जातिवाद ज्यादा है यहाँ ज्यादा है तिजारत तहसील सबसे ज्यादा। अब की बारी है ये कभी नहीं हुआ नहीं पहले नहीं पहले कभी नहीं हुआ। 2018 में भी तो मतलब नहीं हुआ जातिवाद नहीं हुआ था उस टाइम। इस बार जातिवाद लोग बट गए हैं क्या? हाँ बट गए। क्यों नहीं बटे हिंदू मुसलमान हो गए। बाबा बालकनाथ बोल रहा है हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच चल रहा है यहाँ तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच चलेगा तो हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो पाकिस्तान हारेगा ये तो कन्फर्म है। तो पाकिस्तान तो यहाँ लड़ने आ नहीं रहा है मैच वो इलेक्शन तो यहाँ मुसलमान ही लड़ रहे हैं तो पाकिस्तान उन्हीं को बोला जा रहा है। हिंदुस्तान हिंदुओं को तो बोला नहीं जा रहा है भाई पाकिस्तानी है। तो ऐसा ही है अब देखो क्या होता है आगे आगे टाइम बताएगा। इमरान खान former BSP candidate joined the Congress 10 days ago, now fighting on a Congress ticket.